ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग? सब फेरस होंगे। तो आज हम आ चुके हैं सागर प्लाजा के पीछे भगवान की बिल्डिंग, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये भगवान सेठ की बिल्डिंग है, यह भगवान सेठ की बिल्डिंग है। हम अभी उसके पीछे जट उसके पीछे खड़े हुए हैं। और ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी से पूरा एरिया भरा हुआ है ये वाला। और अभी तो एक दिन की बारिश में इतना पानी भरा हुआ है, और बारिश होगी तो मालूम नहीं कितना पानी भर जाएगा, मालूम नहीं कि और कितना पानी भरेगा। और यहाँ की सरकार है, जो अभी यहाँ की जो सरकार है वो गटर बनाई थी, गटर भी बनाई तो कुछ काम भी नहीं बनाई। और यहाँ का पूरा नज़ारा जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और हमारे अरशद भाई भी यहाँ के कॉरपोरेटर से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसका सलूशन निकाले और इसका हल निकाले। यहाँ की सरकार को भी हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द सुविधा कुछ करें। यहाँ की पब्लिक को जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, और गाड़ी मोटर जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। और हम अभी हमारे अरशद भाई से गुजारिश करते हैं कि वो कुछ जल्द से जल्द कुछ करें। और हमारे MLA रईस शेख से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमारी वीडियो देख रहे हो तो जल्द से जल्द यहाँ का कुछ हल निकालें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। और ये सागर प्लाजा के पीछे भगवान की बिल्डिंग है, जस्ट उसके पीछे हम खड़े हैं। और ये पूरा पानी से भरा हुआ एरिया आप लोगों को जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं। और यहाँ की प्रशासन बहुत परेशान है। हम गुजारिश करते हैं, हमारे रईस शेख से गुजारिश करते हैं। और ये सामने जैसा कि आप देख पा रहे हो, पूरी रिक्शा पानी में डूबी हुई। और अभी तो एक दिन की बारिश हुई है, और लगातार बारिश होगी तो पूरा पानी से पूरा एरिया भर जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए, और हमारी ये आवाज़ रईस शेख तक का पहुँचाइए, फ्रेंड रईस शेख MLA तक का पहुँचाइए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, गाड़ी पूरी पानी में डूबी हुई। और हम हमारे अरशद भाई से भी गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसका हल निकाले। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पे। जब तक के बाय बाय।